क्लास टेंथ स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 विद इंट्रोडक्शन मैंने कराया था। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। आप लिख सकते हो नंबर फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं, मिडिल टर्म। सेकेंड हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये सिलेबस से कट चुका है। और तीसरा मेथड है भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये तीन मेथड आएंगे। अच्छा एक बात सुनो मेरी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 ये दोनों ही क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे इसी वीडियो में हम, और बहुत अच्छे से आपका डाउट यहाँ पे ख़त्म होगा। देखो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है, हम सबसे पहले इसके अंदर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट अपॉन टू ए। देखो डरना नहीं है, हम एक्स की दो वैल्यूज निकालते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी दो वैल्यूज आती थी, है ना, क्योंकि डिग्री टू है। तो एक्स के यहाँ पर ये रूट्स आएंगे जिनको हम जीरोज या रूट्स बोलते हैं। ये जीरोज या रूट्स आए कैसे, ठीक है, पहले इसको समझते हैं, इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब एक काम करो, दोनों तरफ ना आप इससे ए से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए, यहाँ हो जाएगा एक्स और सी अपॉन ए, जीरो अपॉन ए डेट इज जीरो, यानी एक्स स्क्वायर को अपने इंडिपेंडेंट कर लिया। अब बेटा आप एक काम करो, ठीक है, ये आप स्टेप्स लिख लेना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए। अब एक काम करो, आप क्या करोगे, 1/2 कोफिशेंट ऑफ एक्स, इसको देखो 1/2 और कोफिशेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक्स का कोफिशेंट कौन है, बी अपॉन ए, तो 1/2 ठीक बी अपॉन ए ठीक होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ओपन करो, बी स्क्वायर, टू का कितना होगा 4 और इस ए का कितना होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करो, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये ऐड करेंगे बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, जीरो में ऐड करेंगे बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को इंडिपेंडेंट किया, 1/2 कोफिशेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लगाया हमने, तो 1/2 एक्स का कोफिशेंट कितना था बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर खोला बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ए का ए स्क्वायर हुआ। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये हमने दोनों तरफ ये वाली टर्म यहाँ पर ऐड करी। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म को बहुत ध्यान से देखो, इसको बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर को बी अपॉन 2 ए का होल स्क्वायर। यहाँ मैं एक फार्मूला बनाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है, इसको ए मान लिया, और इस पूरे को बी अपॉन 2 ए को इसको बी मान लिया, मन में सोच लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है बेटा, समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस के 2 ए बी, तो प्लस 2 कितना है ये 2 ए रहा, ए कितना है एक्स और बी कितना है बी अपॉन 2 ए, ठीक। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, वापस आपको क्या मिल रहा है बी अपॉन ए इंटू एक्स, बी अपॉन ए इंटू एक्स, आ गया समझ में, ओके। अब देखो आगे इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ी, आई नीड सम स्पेस, ठीक है। देखो ये भी आ गया, इसको मैं लिख चुका हूँ, ये भी आ गया प्लस सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए, और इधर चल रहा है बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। देखो अब क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है 2 ए बी, वापस मुझे बी अपॉन ए एक्स मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना ऐसे मैं इसको, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर सी अपॉन ए को उधर शिफ्ट कर दूँ, मुझे तो ये डराइव करना है, एक्स की वैल्यू रूट लेके आने हैं।
अब देखो आप x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ बेटा एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर को इससे डिवाइड करूँगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करूँगा 4a बचेगा, 4a के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 4ac आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब इसको आगे यहाँ पे लिखते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है देखो एक काम करते हैं, ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में, और जब इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो 4 का 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बाहर आएगा 2a। इतनी बात समझ में आई, x की वैल्यू हमें चाहिए थी, ये प्लस का b अपॉन 2a, इसको उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस का b अपॉन 2a होगा बेटा, और ये पूरी क्वांटिटी प्लस की बचेगी। और जब हम यहाँ से देखो, जब हमने यहाँ से स्क्वायर रूट लिया था ना, हमने जब यहाँ से स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ इस तरीके से, ठीक, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू जो यहाँ पर आई है, तो मैंने आपको कई बार बताया, पहले भी पढ़ाया कि इसमें प्लस माइनस आप लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्लस माइनस लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर आपको कहीं पे x की वैल्यू 4 दी है एक्स स्क्वायर की और आपको रूट लेना पड़ गया तो आप x की वैल्यू में प्लस माइनस 2 दिखाओगे, यानी एक प्लस का 2 आएगा एक माइनस का 2 आएगा, इस तरीके से हम जनरली करते हैं, ठीक है। देखो अपॉन 2a, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू यहाँ से 2a LCM लो अब, ठीक, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस के भी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये फार्मूला हमने रिलीज कर दिया, अभी बताऊंगा इसका यूज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, प्लीज राइट डाउन दिस। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, ये जो मैंने आपको रिलीज़ कराया फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं पर भी आपको मिलेगी, डिग्री 2 यानी x की जो रूट्स आएंगे वे 2 आएंगे, तो x के जो हमारे पास यहाँ से रूट्स आए हैं वो 2 ही तो आए हैं, देखो कैसे आए हैं, एक बार मैं इस x को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको मैं अल्फा बोल दूँ, है ना, अल्फा बीटा मैंने बोल दिया दो रूट से, और एक बार मैं इसको बीटा बोल सकता हूँ माइनस बी माइनस, देखो ना प्लस माइनस है तो एक बार प्लस की वैल्यू ली 4ac ओवर 2a, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे हमारे दो रूट्स आ गए बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको किया है, ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना स्टूडेंट, सिर्फ आप इसको ऑब्जर्व करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसको हम D बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोल देते हैं D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D एंड डिनोटेड बाई कैपिटल D, तो मैं इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट D अपॉन 2a, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 4.4 है उसमें तो डिस्क्रिमिनेंट निकलवाएगा वो, ठीक, अभी करता हूँ मैं, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.5 उसको भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या करना है उसमें नेचर ऑफ रूट्स बता रहा है, ठीक है, यहीं ले लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे सीधा। नेचर ऑफ रूट्स यानी जो रूट्स आएंगे, देखो बेटा ये जो डी आएगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी तीन वैल्यूज आएंगी, क्या कि कोई भी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ तो जीरो से बड़ा हो सकता है, भाई कोई भी नंबर जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा, जीरो से इक्वल होगा या जीरो से छोटा होगा, ये तीन बातें आप लिख सकते हो। देखो अगर जीरो से बड़ा है, आपने डी निकाला, मैं निकालूंगा, डू नॉट टेक टेंशन, डी आपने निकाला, ठीक है, और डी कोई नंबर आ गया जीरो से बड़ा, से वन आ गया टू आ गया, तो रूट्स जो होंगे, रूट्स की वैल्यू क्या है, ये नहीं एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब रियल रूट्स आएंगे तो एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों अलग अलग होंगी। अगर d जीरो आ गया तो रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे
और इक्वल होंगे। देखो d को जीरो रखो, आप यहाँ पे जीरो रखो, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरा क्वांटिटी जीरो, जीरो का रूट तो जीरो ही होगा, माइनस b, प्लस माइनस जीरो से क्या फर्क पड़ता है, अपॉन टू है, तो रूट्स आपके आएंगे x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन टू है, इस वाले केस में ये वाला रूट ही आएगा। और d जब जीरो से छोटा होगा, ठीक है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। प्लीज राइट डाउन, नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर। देखो मैंने आपको डेरिवेशन भी इसलिए करके दिखाया है स्टूडेंट्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़े, ठीक है। देखो जैसे एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ इसमें वो इतनी सी बात कर रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, x माइनस 1 और यहाँ आ रहा है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा सुनो, मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैप c इक्वल्स टू 0, इसकी फॉर्म बनानी है मेरे को, ठीक है। तो पहले इसको बनाओ, x की मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो बनाओगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 की करोगे, माइनस 2x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x स्क्वायर ये कितना हो गया, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, बेटा a कितना हो गया 2, x स्क्वायर का कोफिशेंट a है, x स्क्वायर का कोफिशेंट 2 है, ठीक। b कितना हो गया बेटा, x का कोफिशेंट माइनस 3, x का कोफिशेंट b, b हो गया माइनस 3 और c हो गया 1। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो मैंने आपको बताया था रूट में, बताया था नहीं बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और हमने जो फार्मूला अभी लिखा, क्या लिखा, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में अपॉन 2a, ये तो मैंने रूट्स निकाले थे। और मैंने d का आपको फार्मूला क्या बताया था, d मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो d की वैल्यू लिखते हैं, b कितना है बेटा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है बेटा 1, ये करना है आपको, तो 9 माइनस 4 2 जा 8 1, हमारा सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट आया। अगर वो आगे रूट्स पूछता तो हम बात करते, अभी फिलहाल आप इतना रखो, ठीक है। डी आ गया हमारे पास कितना 1, देखो आंसर इसका 1 आ रहा है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, सेकंड वाले पार्ट में हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड इन्होंने खुद दिया हुआ है, प्लस के, के कांस्टेंट है, ठीक है, के को बिलोंग, इसका मतलब होता है के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी के रियल नंबर से आ रहा है, तो इसका डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कौन है बेटा माइनस 2, माइनस मत छोड़ना, माइनस 4, ए कौन है, देखो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1, और c कौन है k, तो 4 माइनस 4k, तो d की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल सकते हो, ठीक। थर्ड वाला पार्ट करते हैं, प्लीज़ राइट डाउन दिस, देखो थर्ड पार्ट करते हैं इसका, इसमें भी आपको डी निकालना है, रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये रखा हुआ है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी, हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए तब डी निकलेगा, तो डी बी स्क्वायर 4ac, तो बी कितना है बेटा, x का कोफिशेंट, x का कोफिशेंट कितना है बेटा यहाँ पर 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कौन होता है बेटा x के साथ जो होता है, x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर रूट 3 है, और c कौन होता है कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये पूरी कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस के 2√3। देखो किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इनको, तो आप भी इसी तरीके से करें, तो d आ जाएगा मेरे पास, देखो रूट 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 2 होगा, और इस 2 का स्क्वायर खुलेगा 4, तो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 3 रूट 3 कितना हो गया 3, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो कितना हो गया बेटा 24 और 8 डैट इज 32, तो डी आपके पास 32 आ गया, फर्स्ट का थर्ड 32, ठीक है। ये फोर्थ वाला पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप इसको करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।